दृष्टि के पात्र बन जाते हैं हम। अब उसकी दृष्टि कैसी होगी? भगवान की दृष्टि को क्या बोला गया है? कृपा दृष्टि। इसमें केवल कृपा बनी होती है, वो परिणिश शुरू हो जाती है। अब यदि पांच ब्राह्मणों को पांच पंडितों को खिलाने से गहेशारी उतर सकती है तो आप कैसे ब्राह्मण हो बताइए? माफ कीजिएगा मुझे, मैं सबके लिए तो नहीं कह रही हूं, लेकिन हां कुछ ब्राह्मणों के घरों में व्यसन प्रवेश हो चुके हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं लगे। पीछे हम महाबलेश्वर गए, वहां एक भाई मिला, उसने कहा बहन जी हम वैष्णव हैं, मेरे पिताजी कथावाचक है, प्रसिद्ध करके कथा वाचते हैं। अभी उसे नया नया था, नशा बहुत था, ज्ञान में आया है, कहता बहन जी वैसे तो हम वैष्णव है पर रियलिटी ये है कि एक भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन हम अंडे से शुरुआत ना करते हो और नॉनवेज से समाप्ति ना करते हो। हमारे यहाँ अंडा भी रोज बनता है, नॉनवेज भी रोज बनता है। कश्मीर में गए, वहां बताया कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे हैं जो नॉनवेज को खाते हैं, मुझे आश्चर्य लगा। अभी तो पंडित वहां बचे नहीं, वो थोड़े हैं, पर एक पंडित ही बता रहा था कि हम तो नहीं खाते पर कुछ पंडित ऐसे हैं जो शिवरात्रि को शिवलिंग पर भी मांस का भोग लगाते हैं। तो ब्राह्मणों के घर में जो कथावाचक है, जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, उनके जीवन में भी व्यसन चले गए, वो भी तामसिक हो गए, तामसिकता चली गई उनकी लाइफ में। अगर उनको खिलाने से ग्रहचारी उतर सकती है तो आप कैसे ब्राह्मण हैं? सोच के देखिए, विचार करके देखिए, यदि यहां एक बाबा की पवित्र कुमारी केवल एक कन्या खड़ी हो जाए, ज्यादा नहीं कितनी, तो वो सौ सौ ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाती है। बाबा की एक पवित्र कन्या, एक तरफ सौ ब्राह्मण, एक तरफ एक कन्या, उससे भी बड़ी बात है। जो बाबा के पवित्र ब्रह्मचारी कुमार हैं, बैठे हैं कोई कुमार, बैठे हैं कोई, बहुत सारे बैठे हैं। अगर ये पवित्र कुमार मैदान में आ जाए तो 700-700 ब्राह्मणों पे भारी पड़ जाता है एक बाबा का कुमार। एक कुमार एक तरफ, 700 ब्राह्मण एक कुमार को खिला दो, माना 700 ब्राह्मण को खिला दिया। और उससे भी बड़ी बात, आप सब गृहस्थी जो रहे हो यहां पर, जिस चुनौती को हार कर डर कर ऋषि मुनि हिमालय की तरफ चले गए, जंगलों की तरफ चले गए, बीवी को विवाह बना करके, बच्चों को अनाथ बना करके, जिस चुनौती को उन्होंने असंभव मान लिया कि गर्भस्थ में पवित्र रहना असंभव ही नहीं नामुमकिन है, स्टैंप लगा दी थी उन्होंने, असंभव ही नहीं नामुमकिन है, संसार की ये सबसे बड़ी चुनौती, ये आप सबने स्वीकार की है, इस चुनौती को ललकारा है। एक ने नहीं, दो ने नहीं, दस ने नहीं, सौ ने नहीं, हजार ने नहीं, आज लाखों की अंदाज में हमारे पास ऐसे कपल हैं, ऐसे युगल हैं जो इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं, घर ग्रस्त में रहते हैं, आज में रहते हैं लेकिन सेक लगने नहीं देते, कीचड़ में रहते हैं परंतु दाग लगने नहीं देते। ये सबसे बड़ी तपस्या की है उन्होंने। हमारे पास 25 साल का कपल भी मिल जाएगा, 35 साल का भी मिल जाएगा, 50 का भी मिल जाएगा, 60 और 90 का भी मिल जाएगा, जिसने अपने जीवन को पवित्र बना दिया है एक साथ रह करके, एक साथ रह करके। यही तो तपस्या है ऊपर वाले की। हमारे जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता, ना की है किसी ने, तू इस देह में रहे पर देह के वाहन से मुक्त रहे, ये कोई कम तपस्या है? शरीर में रहे शरीर को भूल जा, कीचड़ में रहे दाग लगे
आपने की है, आपने की है ये तपस्या। अगर ऐसे पवित्र दो गृहस्थी मैदान में आते हैं, दो पति पत्नी जिसने अपने जीवन को कमल फूल के समान पवित्र बना लिया, कीचड़ में है परंतु कीचड़ लगने नहीं दे रहा। दो अगर मैदान में आ जाते हैं तो हजार ऋषि मुनियों पे भारी पड़ जाते हैं बाबा के दो युगल। एक हजार ऋषि मुनियों को खिलाया, दो पवित्र युगलों को खिलाया, बराबर पुण्य लगता है, बराबर पुण्य।